Now the last, we will discuss about the structure of the centriole. Now what is the centrosomes, centrioles and basal bodies? First, centrosome. Centrosome consists of centriole, two centriole, and centriole give rise to birth to basal bodies. क्या बताया आपको? Centrosome consists of two centriole. ठीक है? यानी कि centrosomes किसके बने हुए हैं? Centrioles के. And centriole gives birth to basal bodies. Centriole and basal bodies near about have the same structure. First, we discussed about the centrosome. What is a centrosome? Centrosome is an organelle containing two centriole and centrosphere. Centrosome is an organelle consist of centriole and centrosphere. Centrioles are two cylindrical structures. This is totally NCERT. Focus करना important है बहुत ये question भी कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में भी क्या डिफरेंस है. सेंट्रियोल इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रोसोम. इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. लाइज और ये एक दूसरे से क्या होते हैं? यहां परपेंडिकुलर होते हैं. प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. Near the nucleus. और ये अरेंज कैसे होते हैं सेंट्रियोल और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ठीक है? और इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ड व्हील. दीज आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस एंड ईच सेंट्रियोल हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ड व्हील. आपने देखा होगा जो व्हील टायर है उसके सेंटर स्ट्रक्चर में हब होता है और पूरा बाहर की तरफ क्या होता है? स्पीयर होता है. और ये आपके क्या होते हैं? सेंट्रियोल सराउंडेड होते हैं. किससे? सेंट्रोस्फीयर से. सेंट्रोस्फीयर क्या होता है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट अमोरफस और पेरिसेंट्रियोलर मटीरियल. पेरी मीन साइड पे और ये क्या है? सेंट्रियोलर क्या है? मटीरियल. ठीक है? और विच सराउंड द सेंट्रियोल. लाइक दिस. दीज आर द टू सेंट्रियोल्स which lies perpendicular to each other and surrounding these materials, this is a transparent amorphous substance. ये transparent क्या है? Amorphous substance. ये तो कौन सा हो गया? Centrosphere. और ये इसके दो क्या हो गए? Centriole. ठीक है? और सेंट्रियोल हैज द सेम स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. बट इन सीलिया एंड फ्लैजेला 9+2 पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्स. बट इन सेंट्रियोल देयर इज द 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. और ये स्ट्रक्चर किसकी होगी? सेंट्रोसोम की. ठीक है?
Now the centriole is derived from Greek word. Greek mean centron. बायो में मैं बार बार बोलती हूँ, हर बायोलॉजिक है मीनिंग पे काम करती है. मीनिंग लर्न करोगे बायो हाफ लर्न हो जाएगी. इसका मतलब है सेंटर. और जो सेंटर में ही प्रेजेंट है तो इसीलिए इसे बोलते हैं सेल सेंटर. सेलर सेंटर, ठीक है. सेंट्रियोल इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल. सबसे बड़ा क्रैक्टर कहां प्रेजेंट है? एक्सेप्ट मैच्योर मैमल आरबीसी, ये तो हम हर जगह डालते हैं. मैच्योर मैमिलियन आरबीसी में तो ये हर चीज ही एब्सेंट है. हर सेल ऑर्गेनेल क्या है? एब्सेंट है, ठीक है. इसमें भी क्या होती है? और प्लांट सेल, प्लांट्स प्रोकैरियोट्स मेनली ये स्ट्रक्चर किसकी है? एनिमल सेल की है. मैच्योर आरबीसी में, प्लांट सेल्स में. और इसमें आपका क्या है? अम्बिबोइड प्रोटिस्ट जिसमें अम्बीबा वगैरह आते हैं. क्योंकि सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड में तो हमने कौन से करे थे? प्रोटोजोन्स करे थे, जो कौन से थे? फ्लैजिलेटेड. और यहाँ पे आपके अम्बिबोइड क्या है? प्रोटिस्ट है. वही एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. इन सब में ये क्या रहते हैं? एब्सेंट और रेड एल्गी, ठीक है. इनमें एब्सेंट है सिर्फ. ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? एनिमल्स का. सेंट्रियोल हैज अ पावर ऑफ रेप्लिकेशन. इस पे पावर है किसकी? रेप्लिकेशन की. यानी सेंट्रियोल है वो रेप्लिकेशन होती है. और ये कैसे है? आपकी रेप्लिकेशन किसमें होती है? इन एस और जी टू फेस. This question is important from neat point of view also. Where the replication of the centriole occur in S या क्या है? G2 phase of interphase. Interphase होता है growth phase, जिसे हम क्या बोलते हैं? Growth phase, ठीक है. इसमें भी कोई membrane present नहीं है. यानी कि ये कैसा है? Without limiting membrane, without लिमिटिंग मेम्ब्रेन. यानी बिना मेम्ब्रेन के है. एंड विदाउट डीएनए एंड आरएनए. देखो डीएनए और आरएनए नहीं है, बट काम किसका कर रहा है? रेप्लिकेशन का कर रहा है. और इसके अंदर भी क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है. और ये रेप्लिकेशन बिना किसकी हो रही है? डीएनए और आरएनए के, ठीक है. और इस सेंट्रियोल का काम है बर्थ देना किसको? बेसल बॉडीज को. अब देखो इसके अंदर क्या है कि जो विदाउट मेम्ब्रेन है, इन केस ऑफ प्लांट में यहां एक्सेप्शन डाल रही हूं, स्टार डाल के, कि प्लांट्स में इट इज कॉल्ड पोलर कैप्स. इन प्लांट्स दे आर एब्सेंट एंड कॉल्ड पोलर कैप्स. इसे पोलर क्या बोलते हैं? कैप्स बोलते हैं. अब देखो सेंट्रियोल का काम है बर्थ देना किसको? बेसल बॉडी को. और इन दोनों की स्ट्रक्चर लगभग क्या करती है? रिजेंबल. और बेसल बॉडी आगे बर्थ देती है किसको? सीलिया और फ्लैजेला. वो हम कर चुके हैं कि उसपे एक पॉइंट किया था. सीलिया और फ्लैजेला को बर्थ कौन दे रहा है? बेसल बॉडी. और बेसल बॉडी को कौन बना रहा है? सेंट्रियोल. और सेंट्रियोल खुद किसका पार्ट है? सेंट्रोसोम का है, ठीक है. अब देखो जो सेंट्रियोल है, थोड़ा सा हम डिस्कवरी की तरफ जाएं. इसको डिस्कवर किसने किया था? वैन वेंडेल ने. डिस्कवरी ऑफ सेंट्रियोल, डिस्कवरी, ठीक है. किसने की इसकी डिस्कवरी? पहले तो की वैन वेंडेल ने, ठीक. फिर इसकी जो स्ट्रक्चर जो स्टडी की वो किसने की? टीएस बोबर ने. स्ट्रक्चर स्टडी किसने की? टीएस बोबर. अब आपके माइंड में एक पिक्चर बन गई. सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल गिव राइज टू बर्थ टू बेसल बॉडी एंड बेसल बॉडी गिव राइज टू द बर्थ सीलिया एंड फ्लैजेला. अब देखो इसका क्या हम डिफरेंस कर रहे हैं.
किसके बीच में? सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज। ठीक है, बेसल बॉडीज का एक नाम और आता है ब्लीफेरोप्लास्ट। ठीक है, ब्लीफेरोप्लास्ट कहीं पे लिखा आ जाता है। ट्रिपैनोसोमा जैसे हम स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें आता है कि जो ब्लीफेरोप्लास्ट है वो आपका क्या होता है? बेसल बॉडीज होता है। ठीक है, अब देखो जो आपका क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कहां प्रेजेंट है? नियर द न्यूक्लियस। कहां प्रेजेंट है? नियर द न्यूक्लियस। आपको ध्यान होगा जब हमने सीलिया और फ्लैजला किया था, यहां नीचे बेसल बॉडी बनाई थी और ये सीलिया और फ्लैजला को बताया था। ये कहां प्रेजेंट है? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। इट इज प्रेजेंट बिलो द सेल मेम्ब्रेन इन एक्टोप्लाज्मा। प्रेजेंट बिलो सेल मेम्ब्रेन इन एक्टोप्लाज्मा। अब सेंट्रियोल्स के नंबर की बात करी हमने, तो इसके अंदर क्या है? इसके नंबर कितने? सीलिया और फ्लैजला के तो नंबर बहुत ज्यादा है, बट सेंट्रियोल तो कितने होते हैं? टू इन नंबर होते हैं। एक सेल में ओनली टू। नंबर कितने सेंट्रियोल का? टू इन ए सेल। टू इन ए सेल इन नंबर। और इसके नंबर क्या होते हैं बेसल बॉडीज के? मोर इन नंबर। ठीक है, मोर इन नो नहीं है, ये नंबर है आप कर लेना। ठीक है, फिर देखो जो हमारे क्या होते हैं साइज। साइज जो सेंट्रियोल का होता है वो स्मॉल होता है और जो बेसल बॉडी का क्या होता है? लार्जर होता है, स्मॉलर इन साइज। जैसे सीलिया का छोटा होता था, स्मॉलर इन साइज, और ये कैसा है? लार्जर इन साइज। अब आते हैं फंक्शंस। क्या क्या किस किस में हेल्प है? सी से सी सेंट्रियोल में भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और ये सेल डिवीजन में करता है तो स्पिंडल फाइबर बनाता है और एस्टर रेज बनाता है। तो ये इसका मेन काम क्या है सेंट्रियोल का? फंक्शंस की बात करें, सेंट्रियोल हेल्पिंग सेल डिवीजन, हेल्पिंग सेल डिवीजन एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स एंड एक्स्ट्रा रेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता तो एक्स्ट्रा रेज किसमें बनती है? सिर्फ जब सेल डिवाइड करती है, एनिमल सेल में। और प्लांट में प्रेजेंट नहीं है वहां कभी भी एक्स्ट्रा रेज नहीं बनती। और ये कैसे एक्ट करता है? एक्ट एज ए माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर एंड एक्ट एज माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यानी कि एम ओ सी, MOTOC इसे बोल देते हैं, माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और इसका मेन काम मैं अभी बताया था क्या? ये कंट्रोल करता है किसकी? मूवमेंट ऑफ सीलिया और फ्लैजला। और ये क्या करता है? बर्थ देता है सीलिया और फ्लैजला को। इट गिव्स बर्थ rise to centriole, it gives rise to cilia and flagella, and also control movement of cilia and flagella. ठीक है, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ऑलमोस्ट हैव द सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला, और इट कंसिस्ट ऑफ 9+2 अरेंजमेंट। ये कौन से है 9 वाले? पेरिफेरल। और सेंट्रल वाला क्या है? 1, इसे बोलते हैं हब। ये भी एक माइक्रोटिब्यूल है जो सेंट्रल होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। और इसके जो पेरिफेरल होते हैं वहां डबलेट के, और यहां पे ये कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट है तो इसमें क्या है? ये ए,
और वहां सिर्फ डबलेट थे और यहाँ पे क्या है ट्रिपलेट, और इसमें क्या होता है वहां एबी लिंकर था और यहाँ पे क्या बनेगा एसी लिंकर। नाउ द डायग्राम ऑफ द सेंट्रियोल, व्हाट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल। इन द सेम वे फर्स्ट बट इट इज विदाउट मेम्ब्रेन, सिमेट्री देने के लिए एक बार लाइन लगा दी। इन द सेंटर देयर इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड हब, सेकेंड माइक्रोटिब्यूल इज द बी, थर्ड इज द सी। नाउ द सेकेंड बी एंड थर्ड माइक्रोटिब्यूल इज द सी। In the same way, tail tubule is the consist of 13 protofilament and B and C are consist of 10 protofilaments because they are incomplete. ये लिंकर बन गया ना ए और ये क्या है सी, तो इस लिंकर को हम क्या बोलते हैं एसी लिंकर। ये इसके क्या है 9 पेरिफ्रल ट्रिपलेट। ये सेंट्रल पॉइंट है जिसे क्या बोलते हैं हम हब बोलते हैं। लाइक दिस दिस हब इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ हब इज द सेंट्रल टिब्यूल, इट इज ऑल्सो अटैच विद द पेरिफेरल टिब्यूल विद द हेल्प ऑफ स्पोक्स। दीज आर द स्पोक्स एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रेडियल स्पोक्स। इट मीन्स देर इज द 9 रेडियल स्पोक्स, दीज आर द 9 रेडियल स्पोक्स। ये 9 रेडियल इसके अंदर क्या बन गई स्पोक्स बन गई, और इन स्पोक्स में जो 8 ट्यूब्यूल्स है यहां पे एक एक्स्ट्रा थिकनिंग प्रेजेंट होती है ए के फ्रंट में। हर किसी के दिस इज द एक्स्ट्रा थिकनिंग, इन बिटवीन द एक्स्ट्रा थिकनिंग देर इज द अदर थिकनिंग इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड बाई थिकनिंग।
these are connected like this. तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन गई? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बन गई. ये आपका क्या है? सेंट्रियोल अल्ट्रा स्ट्रक्चर. ठीक है. और ये 9 इसके अंदर क्या थे? रेडियल स्पोर्स. ठीक है. लिंकर जो बताया वो कैसा है? एसी लिंकर. और इसमें दो थिकनिंग थी. एक थिकनिंग इसमें ये ग्रीन कलर की जो ए के राउंड है इसे बोलते हैं एक्स थिकनिंग. और सेकंड जो रेड वाली है उसे क्या बोलते हैं? वाई थिकनिंग. ठीक है. अब देखो जो इसकी क्या है? वाई थिकनिंग. वाई थिकनिंग का काम है अपने आप को लिंक करना किसके साथ? एसी लिंकर के साथ. ये देखो ये कनेक्शन जो मैं बना रही हूं ये किसके साथ बना रही हूं? एसी लिंकर पे बना रही हूं. ठीक है. और ये क्या है? वाई थिकनिंग कनेक्टेड है किसके साथ? एसी लिंकर. ये आपका क्या है? ए. और ये क्या है? सी. एसी लिंकर कनेक्टेड विद वाई थिकनिंग. अब देखो इसके अलावा क्या है? बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ बनी होती है जिसे बोलते हैं मैस्यू. इन सबके बाहर हमने ये 8 माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं. इधर ये बोल जैसी स्ट्रक्चर बना ली. अब देखो इसके बाहर हमने कोई भी फ्लेजुरल शीट नहीं बनाई. बट जो हमने पीछे कंसीडर किया था सीलिया और फ्लैजुला उसके बाहर हमने क्या दिखाई थी? सेंट्रल शीट दिखाई थी. और ये बाहर की तरफ जो ये स्ट्रक्चर बनाई है इसे हम क्या बोलते हैं? मैस्यूल्स. ठीक है. जो ये मैस्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं? ये काम करते हैं इसके अंदर किसका? एमटीओसी. किसका काम करते हैं ये? एमटीओसी का ये क्या करते हैं? काम करते हैं. और ये वाले हमारे कैसे बोलते हैं हम क्या? पेरिसेंट्रियोलर मैस्यूल्स. पेरिसेंट्रियोलर पेरिमिन साइड पे सेंट्रियोलर सैटेलाइट. हम कहते हैं इसमें जो पावर ऑफ रेप्लिकेशन है वो किसकी वजह से है? कई लोग कहते हैं ये मैस्यूल्स की वजह से होती है. और मैस्यूल्स इसकी कैसी होती है? आउटर स्ट्रक्चर होती है किसकी? सेंट्रियोल की. और ये आपकी क्या है? कार्ट व्हील लाइक क्या है? स्ट्रक्चर बन गया ना. कार्ट व्हील ये सेंटर में हब है. ये रेडियल स्पोक्स ये पूरी बाहर की बाउंड्री बन गई एक टायर के रिम की. आप किसी भी गाड़ी का टायर देखते हो ऐसा होता है. ठीक. इसका ये तो बाहर वाला क्या हो गया? रिम हो गया. इसका पेरिफेरल किसका बना हुआ है? ट्रिपलेट का. सीलिया और फ्लैजुला का किसका बना होता है? सिर्फ डबलेट का. ठीक है. और इनमें हमारा क्या है? और सेंटर में क्या है? हब. हब में ये रेडियल स्पोक की वजह से क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. सो इट हैज अ कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर. कार्ट वी लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. अब आते हैं फंक्शंस. फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल क्या क्या बताया आपको इसके अंदर? फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स में फर्स्ट तो आपको मेन ही बताया कि ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला. फर्स्ट तो ये क्या करते हैं? फॉर्म्स बेसल बॉडी जो सीलिया एंड फ्लैजुला. ठीक है. सेकंड ये क्या करता है? हेल्पिंग द सेल डिवीजन. एंड फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर जो सेल डिवीजन के टाइम बनते हैं. एस्ट्रल रेज इनको भी बनाता है. ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता है.
और स्पिंडल फाइबर्स आगे जाके क्या बनाते हैं, स्पिंडल पपेटस। क्या बनाते हैं, स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये माइक्रोटिब्यूल्स इसमें कैसे हैं, दोनों ही हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल। ठीक है, और पेरिफेरल है तो दो तरह के हैं, फिर एक डबलेट और एक क्या है, ट्रिपलेट। डबलेट किसमें होते हैं, सीलिया और फ्लैजेला में, और ट्रिपलेट आपको किसमें मिलते हैं, सेंट्रियोल में। ठीक है, और सेंट्रल फिर क्या है, एक टू और एक जीरो। टू है तो किसमें, सीलिया और फ्लैजेला, और एक है तो क्या है, हब। हब है तो किसमें प्रेजेंट है, सेंट्रियोल में। यानी कि माइक्रोटिब्यूल्स का अरेंजमेंट एक तो 9+0 और एक 9+ क्या होता है, 2 होता है। और 9+0 तो किसमें मिल रहा है, सेंट्रियोल में। एंड 9+2 अरेंजमेंट जो मिलता है वो किसमें मिलता है, सीलिया एंड फ्लैजेला। इनका मेन फंक्शन आपको पता ही है क्या है, लोकोमोशन, अरेशन फीडिंग सर्कुलेशन। ठीक है, फीडिंग हो गई और इसकी क्या हो गई, आपकी सर्कुलेशन। और सेंट्रियोल आपको पता है सेल डिवीजन में, बेसल बॉडीज बनाने में, और बेसल बॉडीज यानी कि इनडायरेक्टली देखो ये सीलिया और क्या बना रहा है, फ्लैजेला, और ये क्या बना रहा है, स्पिंडल और एस्ट्रल रेंज। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द सिमिलैरिटी बिटवीन द माइक्रोटिब्यूल्स। दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रियोल, बेसल बॉडी एंड सेंट्रोसोम। दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम मी पॉइंट ऑफ व्यू। एवरी टाइम 4 to 5 क्वेश्चन आर पुट फ्रॉम दिस चैप्टर, सो वी विल स्टडी इन द डिटेल अबाउट द सेल एज द यूनिट ऑफ लाइफ। द चैप्टर इज द सेल।